शान सो गुड स्टार इमरान अशरफ साहब अभी आया है मैंने इसका काम इतना देखा नहीं अवरा हुसैन इन्होंने आपके खिलाफ ट्वीट्स की थी काफी ज्यादा तो उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है उस्मान खालिद भट्ट हर नालायक आदमी मेरा दुश्मन है इनके बारे में क्या ख्याल है फैसल कुरैशी वंडरफुल एक्टर वेरी गुड एक्टर मैं भी शायद की एक्टिंग को क्या कहें शी इज गुड अच्छा एक सेगमेंट करते हैं पिक्चर सेगमेंट ठीक है उसके अंदर मैं कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगा आपने उन्हें बताना है कि आपको ना उनकी एक्टिंग और कैसी लगती है एक्टिंग और पर्सनैलिटी दोनों के बारे में शान सो गुड स्टार इज अ गुड स्टार और अब थोड़ा मैच्योर भी हो गया सो एज एन एक्टर यानी एक्टिंग वाइज अब ठीक कभी आप पहले फ्लैट था मैं इससे पहली फिल्म ही मेरे साथ पहली या दूसरी फिल्म मेरे साथ की थी दो तीन फिल्म मैंने इसके साथ की हुई हैं लेकिन पहले बहुत फ्लैट था मतलब अच्छा एक्टर नहीं था अब काफ़ी मैच्योर हो गया कुछ लोग इनको ना सुल्तान रही से कंपेयर करते हैं वो तो खैर इसको मजबूरन सुल्तान रही को कॉपी करना पड़ा ना एक मतलब है जगह बनाने के लिए क्योंकि सुल्तान रही जब वफात पा गए थे तो गैप आ गया था वो ख़ास टाइप का फिल्म का एक माहौल था तो फिर लोगों ने मतलब प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स ने सुल्तान राही के कपड़े इसको पहना दिए तो इसको इसने फिर कोशिश की वैसा बनने की सुल्तान राही बनने की कोशिश की तो वो कपड़े वॉश करके पहनाए थे या फिर वैसे धो के धुलवा के पहनाए होंगे वैसे वो नहीं वैसे वो बदबू आती है ना उसमें चल ये इमरान अशरफ साहब अभी आया है मैंने इसका काम इतना देखा नहीं तो वो क्या कहते हैं इन्होंने आपकी बड़ी तारीफ की थी कि मुझे बड़े अच्छे लगते हैं तो इनकी इसकी मेहरबानी है बड़ा बरखुरदार बच्चा है इसका मतलब है बड़ा बाअदब बच्चा है और वाकई एक दो बार मुझे मिला भी वैसे आम जिंदगी में दो तीन बार मिला मुझे तो बहुत बाअदब बच्चा है अच्छा है ये कौन अवरा हुसैन मैंने इसका काम नहीं देखा मैं असल में मैं एक बात बताऊँ मैं ज़्यादा टीवी देखता नहीं हूँ ज़्यादा मैं देखता नहीं हूँ मेरी अपनी अपनी एक एक्टिविटी है मतलब मैं ज़्यादा कोई क्रिकेट मैच हो हॉकी का मैच हो फुटबॉल मैं ज़्यादा स्पोर्ट्स वगैरह देखता हूँ अच्छा इन्होंने आपके खिलाफ ट्वीट्स की थी काफ़ी ज़्यादा क्या कि वो ना क्या कहते हैं आपके खिलाफ कुछ बातें की थी ठीक है मुझे एग्जैक्टली वर्ड्स नहीं याद मगर आपके खिलाफ काफ़ी ये बातें करती हैं तो उससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है मतलब है ये वो बात ये है कि मस्जिद में आप कितना गंद फेंकेंगे रहना तो उसने मस्जिद ही है ना तो जो गंद फेंकने वाला है तो वो तो गंद फेंकने वाला ही कहलाएगा ना वो मस्जिद थोड़ी कहलाएगा ऊपर से जब टैग करती हैं आप तो ट्विटर पे है ही नहीं जब मैं एक ना ट्विटर पे ना को वो फेसबुक वगैरह ये वो मैं इन चीज़ का यानी उस मीडियम का या मीडिया का मैं बंदा ही नहीं हूँ तो मुझे क्या पता कि क्या कर रही है कौन कर रही है क्या कर रहा है कौन कर रहा है करते रहे yes. इनके बारे में क्या ख्याल है ये कौन है ये उस्मान खालिद भट्ट मैंने कहीं इसकी झलक वलक देखी होगी वैसे इसका बाप भी एक्टर नहीं था तो ये कहाँ से हो गया खालिद सईद भट्ट जो है वो तो एक्टर नहीं था वो था डायरेक्टर जनरल डीजी था पीएनसीए का पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स का बंदा बहुत अच्छा है भट्ट साहब लेकिन ही वॉज अ बैड एक्टर बहुत बुरा एक्टर था बल्कि वो जब सुना है कि गवर्नमेंट कॉलेज में भी था उसने कोशिश बड़ी की थी खालिद ये डॉक्टर सजाद वगैरह इनके साथ पढ़ते भी रहे तो बहुत बुरा एक्टर था ये आपके साथ इतनी इनकी दुश्मनी क्यों है क्योंकि ये आपके खिलाफ ये भी बड़े ट्वीट्स करते हैं हर नालायक आदमी मेरा दुश्मन है जो मतलब है कि कुछ
मत कुछ है नहीं, बस जिसका बाप ही एक्टर ना हो, जिसके बाप की एक्टिंग ना आती हो, उसको ना आती हो, तो उसका बेटे को क्या आता होगा, तो मेरा दुश्मन ही होगा ना। इनके बारे में क्या ख्याल है फैसल कुरैश? वंडरफुल एक्टर, वेरी गुड एक्टर। तो मुझे बता, आप इन्हें कुछ उसके बाद आपने इन पे गुस्सा नहीं किया कि तुम्हारी वजह से मुझे कुछ नुकसान आते हैं? किस वजह से? इनके शो में कुछ ऐसी बातें हुई थी ना जिस पे आगे आके मसले हैं, तो उसमें इसका क्या कसूर है? इन्होंने पूछा था ना आपसे। बहुत सारी ऐसी बातें मैं आपसे पूछ लूँगा जो आपको अच्छी नहीं लगेंगी, लेकिन वो लोगों के लिए मैं करता हूँ, क्योंकि वो एक्चुअली ये तो उसको मैंने गोद में खिलाया हुआ, ये जो है ना फैसल कुरैशी, इनका तो वजन काफी ज्यादा नहीं है। नहीं, ये जब 2-3 साल का था छोटा था। अच्छा अच्छा, तब की बात। तो मैं इसको गोद में खिलाया हुआ, गोद में उठा, इसके इसने मेरी गोद देखी हुई है। ठीक, इसलिए नहीं मैं कह रहा कि गुड एक्टर, ही इज अ वंडरफुल एक्टर, वे बहुत मजबूत एक्टर है, क्योंकि ये प्रोसेस से आया हुआ है, ये किसी खालिद सईद भट्ट का बेटा नहीं है, ये गरीब आदमी का बेटा है। मैं भी शायद की एक्टिंग को क्या कहें? मैं भी शायद शी इज़ गुड, शी इज़ गुड, गुड एक्ट्रेस। ने कभी काम किया इनके साथ? मेरे ख्याल में मैंने नहीं किया। चले, इनके बारे में क्या ख्याल? मायूं सईद बड़ा अच्छा बंदा, एज ए एक्टर ठीक है। तो मुझे बताएं, इनकी जो इस एज में भी ये एज ए हीरो आते, आपको लगता है ठीक है इस एज में हीरो आना चाहिए? आना चाहिए भाई, उसका अपना इदारा है, वो जो मर्जी करे भाई। इसके इदारे में हम काम करते हैं, सिक्स सिग्मा जो है वो इसका प्रोडक्शन हाउस है ना, तो वो जो मर्जी है करे भाई। भाई घोड़ा है जिस बंदे के पास है, तो चाहे वो उस पर सवारी गए, चाहे उसको टांगे में जोते, ठीक है ना। अगर घोड़े का जाए गद्दा हो फिर क्या हो? यार अपनी बात क्यों बार बार करते हो? नहीं, अपने आप को नहीं इतना रिडिकूल करते, नहीं करते। नो चले छोड़े को ऐसा नहीं। हाँ हाँ, इनके आपने वो देखी थी मेरे पास तुम हो? हाँ, वो फिल्म थी ना इनडिसेंट प्रपोजल। हाँ, वो फिल्म थी, अंग्रेजी फिल्म थी इनडिसेंट प्रपोजल, उसकी कॉपी थी। हाँ, वो वाली फिल्म थी, और बहुत पहले उसने कासमी साहब ने, अहमद अलीम कासमी साहब ने अफसाना एक लिखा था, रईस खाना, बड़ा मशहूर उनका, बड़ा ज़बरदस्त अफसाना है, तो उसका फिर किसी ने हॉलीवुड में या पता नहीं उसकी वजह से क्या, किसी ने, बहरहाल वही सब्जेक्ट, वो जो अफसाना था जो 50-60 साल पहले लिखा गया था, रईस खाना, उसका उसकी फिल्म बनी इनडिसेंट प्रपोजल हॉलीवुड में, फिर यहाँ पे इन्होंने ये ड्रामा बनाया। तो मतलब खलीलुर रहमान कमर साहब ने कॉपी किया हुआ ड्रामा? कॉपी तो सारे ही करते हैं, सारे ही करते हैं, ओरिजिनल तो कोई चीज़ भी नहीं है आजकल। नहीं नहीं नहीं, ओरिजिनल कोई चीज़ नहीं है, सारा ड्रामा ही है, सारा कॉपी है। वो आ गए थे, देखा अभी इनका नाम लिया और आ गए। इसको कहते थिंक ऑफ द डेविल एंड डेविल इज देयर, शैतान, यानी आप खलील रहमान कमर को शैतान कह रहे हैं? ये मैंने कब कहा? अभी आपने कहा। मैंने तो अंग्रेजी का मुहावरा कहा, डेविल का है ना वो, डेविल को तो वो मुहावरा है अंग्रेजी का। ठीक है ठीक है ठीक है, तो इनके बारे में आपका क्या ख्याल है, कैसे हैं? मेरे अच्छा ख्याल नहीं है। क्यों? बस आपने कहा क्या ख्याल है, तो अच्छा ख्याल नहीं है, वजह भी तो होनी चाहिए ना। क्या वजह? क्या हर चीज़ की जरूर वजह होनी चाहिए? आपको पर्सनली नहीं आपको पसंद, या फिर इनकी आपको एक्टिंग नहीं पसंद? नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता कुछ, जैसे अब आप मुझे अच्छे लग रहे हो तो इसकी कोई वजह तो नहीं है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, इसकी भी कोई वजह नहीं है। आपको डर नहीं लगता ये कोई ड्रामा बनाए आपको नहीं लेंगे? वो डर क्या, ये ड्रैकुला है या क्या, ड्रामे का वो है, डाकू है, सुल्ताना डाकू है, क्या है मतलब? पहले तो ये अपने आप देखो, रिस्क जो होता है मिन जाने बल्ला होता है, राजिक कोई नहीं होता, वो खलील रहमान कमर हो गया, चाहे वो कोई बड़े से बड़ा डायरेक्टर हो गया, कोई प्रोड्यूसर हो गया, कोई किसी का राजिक सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला है, जो रिस्क देने वाला है उस पर भरोसा मैं करता हूँ। बाकी इस तरह के कई लोग आए गए हैं। तो अगर ये आपको कोई रोल दें तो आप नहीं करेंगे? नहीं, मैंने किया है इसका, प्यारे अफजल नहीं किया इसका ड्रामा, कई ड्रामे मैंने इसके किए हैं। ये इनके बारे में, इनकी एक्टिंग के बारे में बताएं।
नहीं एक्टिंग तो नहीं करते नहीं, नहीं करते हैं, इतनी जबरदस्त एक्टिंग करते हैं। नहीं, इज अ कॉम्पेयर। कभी सांप बन जाते हैं, कभी कुछ नहीं, कुछ बन जाते हैं। वो मैंने नहीं देखा क्या बन जाते हैं क्या बन जाते हैं। कोई भी बन सकता है, कोई मतलब दिल की बात है यार, कोई बेवकूफ बन जाता है, कोई जहीन बन जाता है, कोई अच्छा बन जाता है, कोई बुरा बन जाता है। तो मर्जी है उनकी, है उनकी, हर बंदे की अपनी मर्जी है यार। मैं किसी पे अपना आप मसलत तो नहीं ना कर सकता। यानी आप इनके फैन हैं? हाँ, मेरा दोस्त है। हाँ अच्छा, आपने ऐसे दोस्त रखे हैं? हाँ, मैं रख लेता हूँ। अच्छा, ऐसे ऐसे दोस्त भी रख लेता हूँ। कितने रखते हैं? बस कभी कभी जेब में रख लेता हूँ। ये अगले, ये इनके बारे में क्या कहला है? सबा कमर आएंगे। सबा कमर इसके साथ मैंने बड़ा काम किया हुआ। अच्छी आर्टिस्ट है, गुड एक्ट्रेस। तो ये मुझे बताएं, अब इनकी एज है काम करने लिए, अब खत्म हो गई एज? हीरोइन वाली एज नहीं है, वैसे एक्ट्रेस बहुत अच्छी है, वंडरफुल एक्ट्रेस, बहुत अच्छी। क्योंकि शुरू में आई थी तो इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन इसने ग्रो बड़ा किया अपने आप को, अपना ग्रूमिंग इसने अपनी बड़ी की है। ये वो 25 साल हो गए इन्हें करते हुए काम, तो फिर हो जाना चाहिए। मैंने कभी पूछा नहीं, ना मैंने हिसाब लगाया कितना अरसा हो गया हुआ, लेकिन बहरहाल हमारे सामने ही आई है। और इनके से क्या एज हो गया फिर? यार मैं ना नजूमी हूँ, ना ही मैं कोई उसके जो जो मर्दमशुमारी के उसमें महकमे में काम करता हूँ, मुझे क्या पता है। मैंने इनकी कोई जन्म पर्ची थोड़ी बनाई है। मैंने कहा आपको देख कर पता चल जाना चाहिए। एक्सपीरियंस मैं एक्टिंग में हूँ यार, मैं कोई मतलब है लोगों की उम्रें नापने में तो एक्सपीरियंस नहीं है। ये इनके बारे में क्या ख्याल? ये कौन है? सॉरी, मैं इसलिए बार बार मुझे शक्लें नहीं पहचानी में आती, चूँकि मैं कम देखता हूँ टीवी। इनका नाम है फवाद खान। फवाद खान? अच्छा, ये फवाद खान हीरो लगता है, ये हीरो है। एक आध फिल्म भी शायद इसने की है। एक्टिंग बस ठीक है, मीडियोकर सा एक्टर है। तो ये मैंने सुना है कि स्टैंड में सबसे बड़े स्टार, हमारे से भी बड़े स्टार ये हैं, तो ये कैसे है? यार हादसा कहीं भी हो सकता है, ये रास्ते पे जाते जाते एक्सीडेंट नहीं हो जाते? तो हादसे तो होते रहते हैं। हाँ, वो एक ड्रामा हिट हो गया तो बस वो हादसा हो जाता है ना, तो ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। पाकिस्तानी फिल्म नहीं आई कोई इनकी? अभी नहीं आई, हो सकता आए आगे, अल्लाह करे आ जाए, अल्लाह करे, अल्लाह बरकत डाले। यस, ओए होए होए, ये तो क्या कहते हैं, आपका नाम सर्च करें ना तो साथ इनका नाम भी आ जाता है। जब भी आता है तेरा नाम मेरे नाम के साथ, जाने क्यों लोग मेरे नाम से जल जाते हैं। यस यस, मुझे बताएं, पहले की बात हो रहा है, अब मुझे बताएं आपका इनके बारे में कुछ चेंज हुआ है या फिर वही ख्यालात हैं? क्या ख्यालात हैं? मैंने तो उस वक्त भी यही कहा था, मैंने कोई बुरी बात नहीं की थी, मैंने उस वक्त भी यही कहा था कि इनको कैरेक्टर रोल्स करने चाहिए, कैरेक्टराइजेशन करनी चाहिए। देखो ना, एक होती है हीरोइन हमारे जहन में आती है 15-16 साल की लड़की, ज़्यादा 20 साल की, ठीक है ना, जो उछलती कूदती हुई इधर इधर कुलीले करती हुई बकरी का बच्चा उठाए हुए अच्छी लगती है ना फिल्मों में, ना हीरोइन यही होती है ना, मासूम सी दाई गुड्डी गुड्डी सी होती है ना, छोटी सी उम्र की, वो हमारे जहन में होती है। तो मैंने कहा कि अब ये उस एज से निकल गई हैं, तो इनको अब कैरेक्टराइजेशन करनी चाहिए। यानी कैरेक्टराइजेशन से मुराद ये नहीं है कि माँ के रोल करे, फूफी के रोल करे या दादी के रोल करे। बहुत सारी मतलब है कि बीवी बन गई, अच्छी बीवी बन गई, इसी तरह बहन बन गई अच्छी, या और बहुत सारे किरदार होते हैं ज़िंदगी के, ज़रूरी नहीं है। मसलन एक सोशल वर्कर का रोल कर सकती है, कि वो भी हीरोइन ही होती है। हीरोइन से मुराद हम वो ले लेते हैं ना, जो गुडी गुडी कोई मतलब है कि वो, जैसे मैंने कहा छोटी सी वो बच्ची जो है, और वो जो गाने गाने वाली और इस तरह से उछलने कूदने वाली, वो हीरोइन नहीं होती। हीरो या हीरोइन जो होते हैं, ये हीरो हीरोइन का कॉन्सेप्ट ही गलत है हमारे यहाँ। एक्चुअली हीरो या हीरोइन जो होते हैं वो सब्जेक्ट के हिसाब से होते हैं। मसलन एक अच्छी माँ है, अगर माँ पे कोई किरदार है, कोई ड्रामा है और अच्छी माँ है, तो एक्चुअली वो उस ड्रामे की हीरोइन है, या अच्छा बाप है, या अच्छा मजदूर है,
ज़रूरी नहीं है कि वो मतलब है एज का, वो एज का उससे कोई ताल्लुक नहीं है, कैरेक्टराइजेशन और चीज़ है। कैरेक्टराइजेशन मसलन ये है ना कि एक बंदा 15 साल का है सपोज है और वो लोहार का काम कर रहा है, गोया वो कैरेक्टर कर रहा है लोहार का, उसका उसकी एज से कोई ताल्लुक नहीं है। या वो पठूरे बेचने वाला बच्चा है तो हीरोइन वो, उसके लड़की के साथ इश्क चल रहा है लेकिन है वो पठूरे वाला, तो उसको पठूरे वाला कहेंगे या हीरो कहेंगे? हीरो कहेंगे, पठूरे वाला कहेंगे। अच्छा। यही तो है ना, तुम में और पठूरे में कोई फर्क ही नहीं है। तो वजह ये मेरे यानी उस वक्त भी मिस इंटरप्रेट हुआ, यानी गलत समझा गया मेरी बात को। मेरे कहने का मकसद ये था कि यानी जो भी इस एज तक हम सब जो है ना, सदा बंदा छोटा नहीं रहता, सदा जवान भी नहीं रहता, और फिर मतलब है सदा मिडिल एज भी नहीं रहता, सदा दुनिया पे रहता भी कोई नहीं है। ये दुनिया लाखों करोड़ों साल से लोग आते हैं जाते हैं मरे, कोई अगर ये समझता है कि मैं अल्टीमेट हूँ, मैं बस मैं हर्फ आखिर हूँ, नहीं, वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। अच्छा एक चीज़ मुझे, आपने इनकी जो बयान आते हैं वो आपने सुने हैं, उसके बाद क्या कहे इन्होंने? नहीं उन्होंने तो जब एक प्रोटेस्ट किया, सही किया। नहीं नहीं उन्होंने नहीं, दूसरे लोगों ने किया, इनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि फिरदौस साहब ने पूछा, इन्होंने कहा कौन फिरदौस? जमाल साहब। हाँ तो हो सकता है, मुझे ना जानती हो, मेरा कोई ड्रामा ना देखो। हाँ ज़रूरी तो नहीं है, हो सकता है। उन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया मुझे कहती, बल्कि पूरा पाकिस्तान मुझे कहता है कि मैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्ट्रेस हूँ। तो अगर कोई अगर कहता है कि मुझे एक्टिंग नहीं आती तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? इस तरह तो वो नेवला भी कहता है कि मैं जंगल का सबसे बहादुर और सबसे मजबूत आदमी हूँ, है ना? है तो नहीं, नहीं होता नहीं है। बहुत सारे जंगल के जानवर जो हैं छोटे छोटे जो हैं, वो जब शेर नहीं ना होता या कोई रीछ नहीं होता या हाथी नहीं होता, तो वो निकल के कहते हैं कि हम बहुत बड़े हैं, हम ये हैं, फलाने हैं, टमकाने हैं, कहते हैं ना। जंगल के छोटे छोटे जानवर भी कहते हैं। इसी तरह हमारे माशरे में भी बहुत सारे जो पस्ता कद हैं, बोने हैं, बोने जो है ना, वो कहते हैं हम बहुत लंबे अब मतलब कद के लोग हैं, हम बड़े ताकतवर हैं और हम बड़े वो हैं। हालांकि ये सब फजूल बातें हैं, माया है, सब माया, सब माया है, सब बंदा ये फानी दुनिया है, कोई बड़ा कोई छोटा, सिर्फ अल्लाह की ज़ात बड़ी है, बाकी सब हम सब इंसान हैं। वो कहते हैं तू खुदा है न मेरा इश्क फरिश्तों जैसा, दोनों इंसान हैं तो क्यों इतने हिजाबों में मिले, तो इंसान बन के रहना चाहिए। यस यस यस, चल आगे चलते हैं। मथीरा आप कभी नहीं? यार वैसे अफसोस है इस औरत पर, बस यही कह सकता हूँ मैं। औरत यानी आप कह रहे हैं इसे? मजबूरन कहना पड़ता है क्योंकि इसकी जिंस, इसका नाम या जिंस के हवाले से, वरना मेरे ख्याल में इसकी कोई जिंस नहीं है, ना औरतों में है, ना मर्दों में है, ना मतलब है दरमियानों में है, क्या है खातून। मैं अभी तक जो मैंने इसके प्रोग्राम देखे हैं उसमें मुझे पता नहीं ये क्या चीज़ है, कौन है, क्या है, कहाँ से आई है, किस सैारे की मखलूक है। नहीं इन्होंने जितने ऑपरेशन करा लिए हैं ना अपने पूरे, ठीक है, तो वो इंसान नहीं रही अभी। नहीं इसने औरों के भी ऑपरेशन किए? नहीं अपने अपने ऊपर हर चीज़ का ऑपरेशन, औरों के भी किए होंगे ना, क्योंकि जितने देखो ना ऑपरेशन इसने इसीलिए ज़्यादा अपने ऊपर किए कि इसने पहले दूसरों के ऑपरेशन किए होंगे, तो तब इसके पास इतना पैसा आया होगा ना कि इसने फिर जो जो ऑपरेशन जिस जिस किस्म का किया होगा कर सकती होगी। मैंने भी किया है इनका ना ऑपरेशन, इंटरव्यू ऑपरेशन। नहीं 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 मैं कहा तुमने इसका किया तो मैं अपना भी करवा लूँ तुमसे। नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा चले चले आए। इन माया की बात हो रही थी, माया, माया अली, माया अली इसका नहीं पता होगा, माया अली नहीं, ये कौन है? ये एक्ट्रेस हैं जिन्होंने ना तीफा इन ट्रबल में हीरोइन थी अली जफर के साथ। अच्छा मैंने नहीं देखी, फिल्म भी नहीं देखी और मैंने इसको देखा भी नहीं, ठीक है माफी चाहता हूँ। चलें इनका ही इज अ गुड एक्टर, मतलब हीरो टाइप का, मतलब गुड वॉइस, आवाज़ बहुत अच्छी है इसकी, एंड ऑडियो बड़ी अच्छी है।
है, टाइप है, स्टीरियोटाइप है, स्टीरियोटाइप मतलब इसमें वैरायटी वेरिएशन नहीं है। लेकिन प्यारे अफजल में मेरे ख्याल में मेरे साथ था, ये प्यारे अफजल में मेरा बेटा बना हुआ था। वेरी नाइस पर्सन, वेरी नाइस, वेरी कल्चर्ड, डिसेंट, बड़ा अच्छा बच्चा है, बड़ा अच्छा एक्टर जो है, एक्टर भी ठीक है, अपने जिस तरह के कैरेक्टर और जिस तरह की इसकी पर्सनैलिटी है उस हिसाब से ठीक करता है। मगर ये कुछ देर बाद ना कहते हैं कि मैंने एक्टिंग छोड़ दी है, मैं अब ना एक्टिंग ये अच्छा काम नहीं, मैंने छोड़ दिया। फिर वो दोबारा आ जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं। दो दफ़ा किए उन्होंने, मर्जी है उसकी, उसकी अपनी मर्जी है भाई, हम कौन होते हैं, मामे लगने हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं। अच्छा इन इन सब में से ठीक है, सबसे आपको बेहतर एक्ट्रेस कौन लगती है? बेहतर एक्ट्रेसेस तो सारी एक जैसी हैं। नहीं, शक्ल की बात नहीं कर रहा, एक्टिंग में कौन बेहतर लगती है? एक्टिंग भी सारी एक जैसी कर रही है आजकल, असल में फर्मा ही एक आ गया है ना। पहले डिफरेंट फर्में होते थे, डिफरेंट जगहों से लोग आते, अब वो ये है ना कि एक ही फर्मा है। मसलन गांव से हो या शहर से हो तो ब्यूटी पार्लर में आ जाती है, तो वो ब्यूटी पार्लर वाला जो कल्चर है या वो जो स्टाइल है जो वहाँ पे ब्यूटिशन बताती है या जिस तरह का, तो वही सारा वो स्क्रीन पे वही नज़र आता है। वो लगता है बस एक ही लड़की काम देख रहे हैं। तो ये पार्लर कौन से, मैं भी जाना चाहता हूँ। तुम लड़की हो? नहीं नहीं, पहले अपना ऑपरेशन कराओ ना। अच्छा, फिर होगा? हाँ फिर होगा। चलें छोड़ दें फिर। हाँ, इनके बारे में, इनकी एक्टिंग के बारे में बताएं। मजाक ना करो। नहीं नहीं, मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, ये जिस तरह दिल का तो फिर बाहर चले गए, कुछ बताया ना कैसे एक्टिंग करते हैं। हमारी इस मुल्क की बदकिस्मती है कि हमें अल्लाह ने ऐसे लोग भी दिए हुए, ये बदकिस्मती है हमारी। अच्छा, इनकी एक्टिंग के बारे में बताएं। ही इज गुड। नहीं, वो एकदम घबराना नहीं, घबराना नहीं, नहीं घबराना तो वो खुद भी नहीं घबराता। हाँ, हमें तो घबरा देते हैं। नहीं नहीं, आप हमें भी नहीं, थोड़ा सा घबरा, नहीं घबराना चाहिए। जब वो कह रहा है ना घबराओ, तो नहीं घबराना चाहिए यार, यकीन कर लो ना किसी पे। चले, किसी वक्त यकीन कर लो ना आपके क्या कहने पर। हाँ, यकीन कर लो, वो जब कहता है ना घबराओ तो ना घबराओ ना यार, थोड़ा टाइम दे। एक्टिंग में क्या स्कोर देंगे? एक्टिंग तो मतलब है कि करता नहीं है, ये एक्ट नहीं करता दिल से, मतलब है इसको कहते हैं ना, ही स्पीक्स बाय हिज हार्ट, उसका दिल बोलता है। अब बाकी ये है कि अल्लाह बेहतर जानता है कि सच बोलता है झूठ बोलता है। लेकिन बाहर इनकी एक्टिंग के बारे में, बीमार है बेचारा, ए बीमार है, ज़हनी तौर पे ए बीमार है, टोटल टोटल ओए, माफ कर दे, चले माफ कर दे, बीमार है। आप कह रहे हैं तो माफ कर, मैं बीमार हूं। हां हां, इनके बारे, इनकी एक्टिंग बहुत अच्छी कर रही है, गुड 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 एक्ट्रेस। नहीं नहीं, वो है, ऑलरेडी है, कर रही है। हाँ हाँ, फिल्म तो चल रही है इसकी, हिट हिट, हाँ चल रही है, चल रही है और चलती रहेगी। इनके बारे, इनकी एक्टिंग अच्छा बंदा, अच्छा इंसान, अच्छा बंदा, गुड। इनकी एक्टिंग, ये भी नाइस मैन, अच्छा एक्टर कर रहे हैं। एक्टिंग तो पता नहीं, लेकिन बंदा अच्छा है। शादी नहीं है मगर, नहीं पर कोई टेक्निकल फॉल्ट होगा। हाँ। पता कर लेंगे, अब वो आप करें जी, मुझे क्या जरूरत है, मैं कोई यकीन। अच्छा, इनकी एक्टिंग होता है। हाँ, इसे अच्छा अच्छा लड़का। चल, इनकी इनकी एक्टिंग होता है। ये कौन है? ये है हानिया, हानिया, हानिया कौन से ड्रामे में काम किया? सही है यार, तो फिर इस तरह की बातें क्यों करते हो? तुम्हें खुद नहीं पता, मुझे कहते हो। चलें आगे, इनके इनके। आइए, अच्छा 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 बच्चा, इमरान अशरफ। हाँ, अशरफ, इमरान अशरफ नहीं है, नहीं सॉरी, इमरान अशरफ नहीं, इमरान अरूज, इमरान, नहीं नहीं, इमरान अरूज भी नहीं यार, कोई इमरान है। हाँ, कोई ना, चलो जैसे इमरान इब्ने सफी वाला, इमरान इमरान वो जो जासूस था, जो भी है। हाँ, मगर अच्छे है, अच्छे, नहीं अच्छा लड़का। हाँ, इनके बारे में, सज्जल, 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 सज्जल,
बस ये सारी वही है ना ब्यूटी पार्लर वाली, मुझे बड़ी पसंद थी, मगर उन्होंने शादी कर ली। अब बस यही यही तुम्हारी बदकिस्मती है और उनकी उसकी खुशकिस्मती है। हाँ हो सकता है, हो सकता है। इनके बारे में ये बड़ी मशहूर है आजकल, सबसे फेमस एक्ट्रेस ये हैं आजकल। ये कौन है? इनका नाम है अलीज़ेशा। अलीज़ेशा? हाँ, पहले इनके बाल लंबे थे, अब छोटे हो गए। ये सबसे फेमस और सबसे ज़्यादा पैसे ये चार्ज कर रही हैं आजकल ड्रामे के। माशाल्लाह। हाँ हाँ, अच्छी बात। तो ये भी वैसे ही हैं। मैंने देखा ही नहीं है, वो ब्यूटी पार्लर है ना सारा। शॉपर है, शॉपर। हाँ, हाँ, ब्यूटी पार्लर। हाँ, इनके बारे में आपका क्या ख्याल? यार बेचारा मासूम आदमी। इनका नाम क्या था, मुझे नाम बोल गए। इसका नाम हमजा है। हमजा फिरदौस। हमजा फिरदौस। मुझे बताएं इनके साथ हुआ क्या, ये मुल्क छोड़कर क्यों चले गए? इसने इससे मैंने भी यही पूछा था, कहने लगा अबू यहाँ सब झूठ बोलते हैं, यहाँ सच कोई नहीं बोलता। तो चूंकि ये सारी ज़िंदगी मतलब तकरीबन 10-12 साल से यूरोप में है, वहीं पढ़ा है आयरलैंड में, तो वहाँ तो लोग झूठ नहीं बोलते ना। तो यहाँ आया तो 2-3 साल इसने बड़ी कोशिश की एडजस्ट करने की, आखिर में कहने लगे कि मैं यहाँ नहीं रह सकता, यहाँ सब झूठ बोलते। तो आपने हेल्प नहीं की इनको ड्रामे? मैंने बहुत दिलवाने में। मैंने बहुत नहीं दिलवाने, मैं क्यों दिलवाऊंगा भाई, किसी से सिफारिश करके नहीं। सिफारिश से कोई एक्टर थोड़ी बनता है। बड़े बने हुए हैं, वो बने हुए हैं तो वो कोई एक्टर थोड़ी है। तो मैं नहीं चाहता था ना कि सिफारिश से एक्टर बने, अपने काम से एक्टर बने। तो इसने कोशिश की, लेकिन अफसोस ये है कि हमारे यहाँ का जो माहौल है और पूरा मुल्क ही ऐसा ना, हम एक दूसरे के साथ झूठ बोल रहे हैं। हम इतने सच्चे हैं, इतने सच्चे लोग हैं कि हम खुल्लम खुल्ला एक दूसरे के साथ झूठ बोल रहे हैं, है ना। तो इसने कहा कि नहीं नहीं नहीं, इस ये मुल्क कैसे चल रहा है, यहाँ तो कोई सच ही नहीं बोल रहा। सच सच कोई नहीं सुनना चाहता, झूठ बोलना पड़ता है इधर। आप कोई अगर मेरे तो मैं इसको कैसे समझाऊं? उसने कभी ये प्रैक्टिस नहीं की ना, इस सोसाइटी को नहीं प्रैक्टिस किया हुआ। मैं तो बचपन से कर रहा हूँ। वो तो तकरीबन छोटा सा था, मैट्रिक करने के बाद वो चला गया था। तो आपका कसूर है फिर, आपने इसे अच्छी तरह पाला है ना। मेरा कसूर है या मुल्तान है या जिया बग्गा है या चीचो की मलियाँ हैं, लेकिन बहरहाल जो भी है उस बेचारे के साथ ये ट्रेजिडी हो गई कि वो कहते ना कि मेरा ये दुख है, मेरा दुख है, मैं अपने दोस्तों जैसा नहीं, मेरा दुख है मैं अपने दोस्तों जैसा नहीं, मैं बहादुर हूँ मगर हारे हुए लश्कर में। तो उस बेचारे का प्रॉब्लम ये था कि बहादुर था मगर लश्कर हारा हुआ था। तो कुछ चांस है आएंगे वापस के? नहीं, वाला लंबे सवाब, अल्लाह बेहतर जानता है। किस्मत है, मैं इसकी इसको इस दुनिया में लाने का सबब तो हूँ, लेकिन इसकी तकदीर मैं नहीं बना सकता। इनके बारे में क्या ख्याल है? ये भी अच्छा है, फाजिल फिरदौस साहब। स्ट्रगलिंग। इनको आपने शर्ट क्यों नहीं लेकर दी? इनके पास शर्ट नहीं कोई? नहीं, वो कहता है मुझे शर्ट अच्छी नहीं लगती। अच्छा। मैं पहनता नहीं, गर्मी इसको बड़ी लगती है। इसलिए बॉडी बना ली है ना। हाँ, इसने कहा कि यार बजाय घर बनाने के कुछ मेज कुर्सी बनाने के बॉडी बना लें। चलें चलें चलें, ख़त्म हो गया प्रोग्राम। आई होप आपको ना, आपको पता टाइम होगा। अच्छा ठीक है, मगर ख़त्म होगा अभी? नहीं नहीं, अभी और 10-15 घंटे और कर लो। थक गए होंगे ना? मैं नहीं थका, थक तुम मैं थक गया ये पूरा उठा। अच्छा अच्छा, बहर हाल बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा तुम्हारे साथ बात करते हुए, ये प्रोग्राम करते हुए। अल्लाह तुम्हें खुश रखे तुम्हारे इस प्रोग्राम को, और तुम्हें अल्लाह बरकत डाले। और बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने का, मैंने बड़ा इंजॉय किया। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। थैंक यू। मैसेज लोगों को कहते हैं कि यार जो लोग ना क्या कहते हैं एक्ट्रेस, ठीक है, एक्टिंग लोगों को नहीं पता ना एक्टिंग क्या होती है, तो वो अच्छे एक्टर को देखा करें अपना ना, लोग ना आंखें अपनी अच्छी करें। नहीं नहीं, सारा कुछ अपना अच्छा करें, जहन अच्छा करें, सब कुछ अच्छा हो जाता है, आंखें भी अच्छी हो जाती है, दिल भी अच्छा हो जाता है। जहन को अच्छा करें और अल्लाह को याद करें और अपने बड़ों की इज्जत करें, छोटों से प्यार करें, और जितना भी हो सकता है आप लोगों में, इंसानों में, अपने इर्द गिर्द के लोगों में मोहब्बतें बांटें।
बहुत शुक्रिया।